हेलो दोस्तों, मैं रंजीत रावत और आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं रा और लाग के ऊपर और नीचे लिखे जाने के नियम। तो इसका पार्ट वन कवर हो चुका है जिसमें मैंने रा के बारे में सिखा दिया था कि रा को कब नीचे और कब ऊपर बनाना है। अभी सेकंड पार्ट है, इसमें हम लाग के बारे में सीखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो जिन्होंने रा के नियम पर आधारित जो वीडियो है वो देख ली है तो बहुत अच्छी बात है कि उसमें मैंने क्या सिखाया है, किस तरह से रूल्स उसमें लगेंगे, किस तरह से रूल्स नहीं लगेंगे, या हमें रूल्स सोचना है या नहीं सोचना है, वर्ड को कैसे बनाना है, उसमें मैंने सब सिखाया है। अगर वो वीडियो किसी ने नहीं देखी है तो इस वीडियो में मैं थोड़ा हिंट्स दे दूंगा कि एक्चुअल में करना क्या है, तो आप समझ जाएंगे कि उस वीडियो में क्या सिखाया था। लेकिन मैं फिर भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो वीडियो आप जरूर देख लें ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हमें वर्ड को रियल में बनाना कैसे है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट वेस्टिंग द टाइम, देखते हैं कि हम इसको किस तरह से बनाते हैं। कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स लिखे हैं। इनको हमें कुछ नियम के बेस पर शॉर्ट हैंड में लिखना है। लेकिन नियम क्या बताया था मैंने, जो इसका फर्स्ट पार्ट है जो रा के नियम उस पर कवर किए हैं, उसमें जो नियम बताए थे उसमें ये सिखाया था कि अगर हम नियम के ऊपर जाएंगे तो बहुत सारे नियम हमें याद रखने पड़ेंगे और उसमें हम कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। अगर हम बिना नियम के भी वर्ड को बनाएं और बाद में बनाकर हम नियम पढ़ें, नियम को देखें, तो हम देखेंगे कि वर्ड वैसे ही बना है जिस तरह से नियम कह रहा है। तो ये सारी बात मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दी है, उसमें सब कुछ कवर हो चुका है। थोड़ा सा हिंट्स मैंने अभी आपको दे दिया कि वर्ड अपने आप बनाना है, अपने आप सोचना है, ज्यादा रूल्स फॉलो नहीं करने। अब देखो ये मैं पहला पॉइंट बनाऊंगा, आप बुक से इसका रूल्स पढ़ लेना, फिर रूल्स बाद में पढ़ना, पहले इसको देख लेना कि बनाया कैसे, फिर आपको खुद दिखेगा कि हाँ कि जो रूल्स है वैसे ही ये बना है। तो रूल्स हमें याद रखने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो देखो अब मैं ये वर्ड बनाऊंगा, आप देखना मैं ऊपर से जब ला बनता है तब कैसे लिखा जाएगा और नीचे से ला बनता है तब किस तरह से लिखा जाएगा। तो आप दोनों तरीके से देखना, फिर आपको खुद पता चलेगा कि हमें नियम की कितनी जरूरत है या नहीं है। ये लिखा है लाठी, देखो ला बनाया ये नीचे से, ठीक है, ला बनाया, पेंसिल उठानी नहीं, ये मैं आपको समझाने के लिए उठाई है, ला बनाया और ये यहां से क्या बनाया है ठा, ठीक है, ठा को कट करके बनाते हैं इस तरह से। तो ला पर आ की मात्रा ही आ गई, ठा पर ई की मात्रा ही आ गई, क्या पढ़ेंगे लाठी। अब अगर मैं ला को ऊपर से नीचे बनाऊं इस तरह से, फिर ठा को नीचे लेके जाऊं इस तरह से, ये ला और ठी। तो आप अब इसमें खुद देखिए कि आपको लाठी इस तरह से लिखा अच्छा लग रहा है या इस तरह से। सीधी सी बात है, ये ज्यादा आसान भी है और लिखा हुआ भी अच्छा लग रहा है। तो अब जो पूरी वीडियो का सार है, जो पूरी वीडियो की बात है, 6 पॉइंट है ये, इन 7 पॉइंट है बल्कि, इन 7 पॉइंट्स में अलग अलग रूल्स लगे कि ला पहले आए, मात्रा आए उसके साथ तो क्या करना है, ला बाद में आए, स्वर आए उसके साथ तो क्या करना है। तो हमें उन रूल्स को बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखना है। मैं हर वीडियो में अपनी यही बताता हूँ कि शॉर्ट हैंड को अगर रूल्स के हिसाब से लेकर चलोगे तो काफी ज्यादा आपको परेशानी होने वाली है। क्यों? क्योंकि आप जब तक करेंगे तब तक आपको याद रहेगी, अगर आप थोड़ा गैप ले लेते हैं तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। लेकिन अगर आप वर्ड खुद बनाते हैं, रूल्स पढ़ें, रूल्स पढ़ने के बाद आप देखें कि अगर मैं बिना रूल्स पढ़े भी बनाता हूं तो भी वर्ड ऐसे ही बनेगा जिस तरह से रूल्स दिए। तो हमें इतनी नीड रूल्स की नहीं है जितना कि हम खुद से बनाएं। अगर हम खुद से बनाएंगे तो हमें खुद से ज्यादा याद भी रहेगा और उसको समझने में भी हमें आसानी होगी। तो अब मैं वर्ड बनाता हूं, आप चाहे तो किताब से रूल्स पढ़ लेना, वैसे उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, आप चाहे तो रूल्स पढ़ लेना और रूल्स पढ़ने के बाद आप वर्ड को बनाकर देखना, वैसे ही बनाओगे जिस तरह से मैं आपको बिना रूल्स के बनाकर दिखा रहा हूं कि कहां ऊपर बनाना है कहां नीचे बनाना है। जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि कहां पर हमें ला नीचे बनाना है और कहां पर ला हमें ऊपर बनाना है। तो अब मैं वर्ड बनाता जाऊंगा, आप देखते जाइए। लिखा है लड्डू, देखो लड्डू किस तरह से लिखेंगे, ला बनाएंगे और डा। अगर हम यहां पर भी इस तरीके से छोड़ दें यूं, ये ला बनाया और डा बनाया, जब दो है उसमें एक आधा डा है और एक पूरा डा है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे लड्डू। तो लड्डू क्या होता है, कुछ नहीं होता, तो इसको हम वैसे पूरा वर्ड फिर पढ़ना चाहेंगे तो क्या पढ़ेंगे लड्डू।
लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस डा को भी पूरा दिखाया जाए तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं ला और इसको नीचे तक निकाल देंगे, इसमें दोनों डा आ गए लड्डू, लेकिन इससे ही काम चल जाएगा। उलट देखो, ला बनाएंगे और टा, अभी ला है ये ऊ की मात्रा में उलट, ठीक है। फिर है उचल, देखो चा बनाएंगे, चा बनाएंगे इस तरह से और ला, देखो इस तरह से भी लिख सकते हैं उचल, और उचल हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, देखो चा बनाएंगे और इसको हम नीचे ले जाएंगे यू, ठीक है, और ऊ की मात्रा ही आ गई उचल, ठीक। लेकिन एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, जिसमें हम हमने ला का आंकड़ा सीख रखा है, तो हम उचल को इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये ला का आंकड़ा लाएंगे इस तरह से और ये चा, ठीक है, ये भी उचल है। तो ये तीन तरीके से लिखा गया है, जिस तरीके से आपको अच्छा लगे, जिस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे ही आप पढ़ेंगे। मतलब कहने का ये है कि अगर आपने ऐसा लिखा हुआ अच्छा लगता है, ला को यहां से यहां बनाना अच्छा लगता है, किसी को यहां से यहां बनाना अच्छा लगता है, तो जैसा आप बनाएंगे आपको वैसा ही अच्छा लगेगा। बस जिस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे आपकी पेंसिल भी वैसे ही चलेगी। तो जिस तरह से आपको अच्छा लगे आप बना सकते हैं, ठीक है। फिर आता लाभ, ला और भा, लाभ लापक आगे मात्रा इस तरह से आ गई। अब आता दूसरा पॉइंट, दूसरे पॉइंट के लिए मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, लोक, देखो लोक, लोक इन्होंने क्या लिखा है, ये लाभ बनाया इस तरह से और ये का, लापर ओकी मात्रा, ठीक है। लेकिन मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो लाभ बनाऊंगा और ये का, इस तरह से मैं लोक लिख सकता हूं। आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा लिख सकते हैं, ठीक है। अलग मतलब कहने का यह है कि रूल्स नहीं पढ़ने, अगर रूल्स पढ़ोगे तो फंसोगे कि ये आड़े वर्ड आए तो नीचे जाए ऊपर जाए, ऐसा कुछ नहीं सीखना। अगर ऐसा सीखोगे तो वर्ड याद रखोगे, इतने में तो वर्ड बना लोगे, हमें याद नहीं रखना, हमें इतने में वर्ड बना लेना, ठीक है। क्या है लोग, फिर क्या था अलग, देखो अलग हम इस तरह से लिख सकते हैं, ला बनाएंगे और गा और ये आ की मात्रा गई अलग, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, ला बनाएंगे इस तरह से और गा, और अब देखो ला ऊपर से बना है तो आ की मात्रा अब यहां नहीं लगाएंगे, ये ध्यान रखना है हमें, क्योंकि ला हमने यहां से शुरू किया था, अब हम यहां बनाएंगे, ठीक है। अलग, फिर क्या आएगा लाम, देखो लाम कैसे बनाएंगे, ला और मां, जिस तरीके से आसान लगे, देखो ला मां के साथ इस तरह से आसान लग रहा है, तो देखो ये अच्छा लग रहा है। इस तरह से अगर हम बनाएंगे ये ला, फिर हमें ये थोड़ी सी दिक्कत हो रही है यहां पेंसिल रोकने में, क्या हो जाएगा लाम, लेकिन इस तरीके से हमने बनाया ला और मां, इसमें हमें कोई भी दिक्कत नहीं हुई, तो इस तरह से ला बना सकते हैं। मतलब हमें यह भी देखना है कि किस तरह से हमारा वर्ड आसान बने, बस उसके अकॉर्डिंग दोनों हमें आते हैं, हमें खुद इतना कॉमन सेंस है कि हमें कहां पर ला नीचे बनाना है, कहां पर ला ऊपर बनाना है, तो उसको देखते हुए हमें वर्ड को बनाना है। आलम, देखो इसमें भी ला बनाएंगे और मां और ये आ की मात्रा आ जाएगी आलम। इसी तरह से तीसरा पॉइंट आता है, मैं यही बता देता हूं, लासुन। अब देखो लासुन, मैं अगर ऐसे लिखूं ला, ये सात आंकड़े लगाएंगे और ये मा बनाया तो इसको कट करना पड़ेगा, और ला पर आकी मात्रा, सा पर भी आकी मात्रा, ऊ की मात्रा है, कहां गया लासुन, तो ये कहां लगेगी, यहां लगेगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस तरह से बनाऊं, ला को नीचे, फिर सात आंकड़े यहां से लगाया और ये ना, ला और सा पर आकी मात्रा ही लासुन, तो आप चाहे ऐसे लिखे या ऐसे लिखे, ठीक है। फिर आता है लाजिम, इसी तरह से लाजिम आता, देखो ला बनाएंगे और जा का, ये जो सात आंकड़ा है वो जा का भी काम करता है इस तरह से, तो ला और इसकी मात्रा यहां आ जाएगी लाजिम। लस्तु, ला बनाएंगे, अब देखो ये ला बनाएंगे हम यू और ये सात आंकड़ा लाएंगे और ये ता, ये थोड़ा आसान लग रहा है, ठीक है। अगर हम लस्तु, ता पर उनकी मात्रा ही आ गई, इस तरह से लिखेंगे यू ला सा और ये फिर ता, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है कि आपका हाथ कैसे चल रहा है। और हाँ एक चीज और, जितनी भी इसमें चीजें यूज होंगी, जैसे कि आंकड़े हैं या कोई भी मात्रा है, या इससे पहले जो रा पर आधारित वीडियो है, ये पार्ट टू है, क्योंकि इससे पहले रा को ऊपर नीचे लिखे जाने का नियम है वो भी मैं बता चुका हूँ पार्ट वन में, तो जो भी चीज इस वीडियो में यूज होगी वो सारी की सारी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यानी कि इससे पहले जो भी यूज हुआ है, जो भी मुझे लगता है कि आपको देखना चाहिए, क्योंकि मैंने हर वीडियो एक अलग तरीके से सिखाई है, बहुत इजी तरीके से सिखाई है, बहुत कम रूल्स के साथ, तो आप वो देखेंगे तो आपको अच्छे से और ज्यादा समझ आएगा
तो वो वीडियो भी आप सब देखना, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, ठीक है। और अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आ रही हो तो जरूर लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, अगर आपको ये वीडियो पूरी देखने के बाद पसंद आती है तब। अल्सर, अल्सर कैसे लिखेंगे, देखो ला उड़ाएंगे, ठीक है, सा का आंकड़ा लगाएंगे और ये रा यहां नीचे को निकाल दिया इस तरह से, और ये अल्सर इस तरह से भी लिख सकते हैं या फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं। ला उड़ाएंगे, ठीक है, ये तो नीचे से ही बनाया था, ऊपर से बारी है, यहां से बनाएंगे इस तरह से ला, ये सा का आंकड़ा लगाया और ये रा निकाल दिया, ठीक है, अल्सर इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। इसी तरह आता है पॉइंट फोर, पॉइंट फोर कैसे बनाएंगे, देखो ये लाइन ड्रॉ की है मैंने इसको लिखने के लिए। फिर आता है फल, देखो फल किस तरह से लिखेंगे, देखो फल इस तरह से बनता, ठीक है। अब ला हम सीधा सीधा यू बनाएंगे, फल सीधा सीधा लिखा है फल, चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं फा और ला, तो आप खुद देख लीजिए कि कौन सा आसान लग रहा है, ठीक है, ये ज्यादा बेस्ट है, इस तरह से लिख सकते हैं, वरना ला का आंकड़ा भी हमारे पास, इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं फल, ठीक है। फिर आता है फली, तो जैसे ये फल लिखा है यहाँ पर ये की मात्रा लगा देंगे हो जाएगा फली, या इस तरह से लिखा तो यहाँ लगा देंगे फली। माल, माल किस तरह से लिखेंगे, देखो मा बनाएंगे और ला, यही ला सही लगेगा मा के साथ, नीचे को तो नहीं लगेगा सही, माल। फिर आता है माली, यहाँ पर एक की मात्रा और लगा देंगे हो जाएगा माली। फिर आता है जाली, देखो जा बनाएंगे, इसमें चाहे तो आप नीचे को बना सकते हैं ला जा और ली, चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं जा ली। जाल, जा बनाएंगे ला, तो जाल। पल, पाल अपल आंकड़ा लगाकर भी लिख सकते हैं और ये पा और ला भी लिख सकते हैं पल। आंकड़े में इसलिए नहीं लगा रहा हूं क्योंकि इसमें हमें ये सीखना है कि ला को ऊपर नीचे कैसे लिखना है, वरना सीख चुके हैं हम ला का आंकड़ा तो हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। पल, अब आता पीला, अब देखो पीला आया है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो ला पर तो आ की मात्रा ये आ गई और पा पर की मात्रा ये आ गई, तो चाहे तो हम यहाँ पे भी लगा सकते थे इसको, यहाँ ला से पहले, ठीक है, चाहे यहाँ लगा लो या फिर यहाँ लगा लो कोई दिक्कत नहीं है पीला। फिर आता फसली, देखो फा बनाएंगे, सा का आंकड़ा लाएंगे और ये ला भी निकाल दिया, फा को कट कर देंगे और ये फसली, ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते थे हम फा, सा का आंकड़ा लाएंगे और ये ला निकाल देंगे, ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते थे फसली, लेकिन ये ज्यादा ठीक है। फिर आता है डाल, डा बनाएंगे और ला, तो ये आ की मात्रा डाल, इसी तरह से डाली आता है, ई की मात्रा लगा देंगे ये हो जाएगा डाली। अब आता है पॉइंट फाइव, थाली, देखो थाली किस तरह से लिखेंगे, था बनाएंगे इस तरह से, था और ला ऐसे निकाल देंगे, था को हम कट करके लिखते हैं ये था और ली, चाहे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, था बनाया और ये ला, था और ली, था को हम इस तरह से भी बनाते हैं था और ला, था ली, किसी तरह से भी लिख सकते हैं, बस ये बात है कि आपका हाथ किस तरह से सेट है, ठीक है। फिर आता थाल, था बनाएंगे और ला, थाल। फिर आता दाल, दा इस तरह से, जैसे आपका मन चाहे वैसे आप बना सकते हैं दाल। खेलो, देखो खा बनाएंगे और ला, खा को कट करके ए की मात्रा ओ की मात्रा, खेलो, खेल, खा बनाएंगे ला, खा को कट करके ए की मात्रा, खेल। फिर आता असल, देखो शायद यहां ना दिखे, यहां बना देता हूं, असल, असल कैसे लिखेंगे, देखो सा बनाएंगे इस तरह से और ला और ये आ की मात्रा, असल, ठीक, चाहे तो इस तरह से लिख सकते थे, ये सा बनाएंगे इस तरह से और ये ला इस तरह से ले लेंगे, असल, लेकिन ये ज्यादा सही लग रहा है। असली, इसमें ई की मात्रा लगा देंगे हो जाएगा असली। वेल, देखो वा बनाएंगे इस तरह से, चाहे तो ला नीचे को ले आओ, वेल, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वा और ला, वेल, ठीक है। फिर आता है वाला, इस वाला को भी मैं यही बता देता हूं, ये था वा और ला, चाहे तो नीचे को ले आओ वा और ला, इस तरह से लिख सकते हैं यू, वा और ला, ठीक है, ये हो जाएगा बाला। अब आता है पॉइंट सिक्स, तो मैं इसको रफ कर लेता हूं थोड़ा सा, जो ऊपर का पॉइंट है इसको रफ कर लेता हूं ताकि हो सकता है नीचे ना दिखे, इसको रफ करके ऊपर बताता हूं इस फाइव पॉइंट को। देखो अब इस पॉइंट को देखते हैं, नाल, नाली, ये मैं यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं फिर से, नाल, देखो ना बनाएंगे, ना और ला, नाल इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर हम ना को ऊपर बनाएंगे इस तरह से, ये ना बनाएंगे इस तरह से और ये ला नीचे को, ना, जिस तरह से आपको अच्छा लगे। था, नाली, इसी तरह से ई की मात्रा लगा देंगे हो जाएगा नाली। फिर आता नीला, देखो ना बनाएंगे और ये ला, नीला,
ला पर आके मात्रा ये आ गई, यहाँ पर तीसरे स्थान पर ये जो ना है यहाँ मात्रा लगनी है तो यहाँ जगह नहीं है तो कहाँ लगाएंगे, ला से पहले तीसरे स्थान पर मात्रा मैंने सिखा रखी है, लिंक दे दूंगा इस वीडियो में, आप वहां से देख सकते हैं क्या हो जाएगा नीला, ठीक है। फिर आता है नाला, नाला कैसे लिखेंगे, ना बनाएंगे और ये ला, ना ला। फिर ये लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट से पहले एक चीज और मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के बाद जो भी वीडियो अब आएंगी वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इंपॉर्टेंट होने वाली है। इंपॉर्टेंट तो सारी ही वीडियो है लेकिन और ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्यों, क्योंकि जो हम सीख रहे हैं शॉर्ट हैंड, मतलब हिंदी को ही हम शॉर्ट करके लिख रहे हैं तो उसको हम शॉर्ट करके लिखेंगे तो अभी तक इतना शॉर्ट नहीं है, अब हम आगे से उसको और ज्यादा शॉर्ट करके बनाने की कोशिश करेंगे और बनाएंगे, ठीक है, ताकि जो शॉर्ट हैंड है उसको और छोटा किया जा सके, संकेत के माध्यम से ही हम उसको पढ़ सकें। तो आगे की वीडियो जरूर देखें, उन्हें मिस ना करें, क्योंकि अभी यहां से इतना ही सीखकर डिक्टेशन ना लिखें, डिक्टेशन लिखने की अभी कोशिश ना करें, क्योंकि अगर आप डिक्टेशन लिखेंगे तो आपको इन्हीं रूल्स की आदत पड़ जाएगी। ये एक बेस है, इसके बाद जो वीडियो आएंगी वहां से आपकी शॉर्ट हैंड शॉर्ट होना शुरू हो जाएगी, तो वो वीडियो जरूर देखें। तो लास्ट पॉइंट है, इसको देखते हैं, बाल्टी, देखो किस तरह से लिखेंगे, यही बता देता हूं या यहां बना लेता हूं इस जगह, बाल्टी देखो बा बनाएंगे इस तरह से, ला बनाएंगे और टी, बा को कट करेंगे आ की मात्रा, सॉरी बा को कट नहीं करेंगे, आ की मात्रा लगाएंगे बाल और ये टापर ई की मात्रा बाल्टी। फिर आता है मालती, मा बनाएंगे, ला बनाएंगे और ता, ये मा और ये तापर ई की मात्रा मालती। फिर आता है खेलती, खा ला और ता, खा को कट करके ए की मात्रा और ये तापर ई की मात्रा खेलती। कालम देखो का कैसे बनाएंगे, का ला और मा और का पर ये आ की मात्रा कालम। एक आता है कोलंबो, देखो ये जो वर्ड है ना ये जब लास्ट में मा और वा आ जाता है ये एक अलग रूल है, ये अलग रूल है, इसको हम किस तरह से लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे, देखो ये का बनाया है, ला बनाया है और इस माँ को ही बनाएंगे यू, ठीक, ये ओ की मात्रा लग गई। ये जब हम माँ को डार्क करके बना देते हैं तो स्पीड पर हमें डार्क और लाइट का पता नहीं चलता, बस ये रूल्स ऐसे याद रखो कि अगर माँ है तो उसको हम इस तरह से भी पढ़ सकते हैं या इस तरह से भी पढ़ सकते हैं, ये आगे रूल्स आएगा मैं आपको बता दूंगा, लेकिन फिलहाल ये कोलंबो लिखा, कोलम और ये आधा मा और बा है, ठीक है, चाहे तो यहाँ पर ओ की मात्रा लगाकर आप काम चला सकते हो कोलंबो, ठीक है, इसको हम कोलंबो पढ़ सकते हैं। तो ये वीडियो कंप्लीट हो गई है, इससे रा को नीचे कब लिखें, ला को नीचे कब लिखें, दोनों वीडियो है, पार्ट टू है, तो ये दोनों ही वीडियो कंप्लीट हो गई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा, अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो, विदाउट प्रैक्टिस तो नहीं आने वाला, इतनी भी बात पक्की है, आप जब प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको सीखने को मिलेगा और आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो को देखें और सीख सकें। अगर आपको शॉर्ट हैंड से रिलेटिव कोई भी परेशानी है, कोई भी प्रॉब्लम है, मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जो भी आपकी परेशानी है, कुछ भी अगर आपको पूछना है तो जो भी अगर मैं बता सकता हूं तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो शॉर्ट आउट करूं। तो ऐसे ही प्यार बनाए रखिए और शॉर्ट हैंड सीखते रहिए। तो आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।